Hey, welcome to War of Aspirants और Viva के regarding आपके जितने भी doubt हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर हैं, कोई भी संदेह आपका नहीं बचने वाला है। वाइवा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा और किसका होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑफिशियल नोटिस को दिखाकर बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास कर लिया है उनको CCS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो पेशेंस रखना है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। चलो सबसे पहले ना वाइवा की बात कर लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ने कल एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है इसी के रिगार्डिंग, वाइवा के रिगार्डिंग। दरअसल आपको पता होगा कि COVID-19 महामारी के चलते हुए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को कुछ गाइडलाइंस जारी की थी और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह ने 26 जून को आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, 26 जून को दिए थे, और उन्हीं 26 जून के इंस्ट्रक्शंस को कल यूनिवर्सिटी ने आपको फिर से याद कराया है। उन इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट नंबर 9 ये था और पॉइंट नंबर 10 ये था। मैं आपको 26 जून वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी लेकर जाऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें तो वहीं से क्लियर होंगी ना। देखिए क्या बताया है, सम सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर जून 2021 और एनुअल सेशन 2020 और 21 की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी, ये आपको बताया गया था, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे फिर, ये आपको लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ है उसके आधार पर ही आपको प्रयोगात्मक परीक्षाओं के मार्क्स मिल जाएंगे। और उसमें पॉइंट नंबर 10 ये था कि संस्थागत पाठ्यक्रम, पहले समझिए कि संस्थागत पाठ्यक्रम का मतलब होता है रेगुलर कोर्सेज, रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है। संस्थागत पाठ्यक्रम में यानी रेगुलर कोर्सेज में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं यानी viva-voce ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। कहने का मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर कोर्सेज हैं जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं, उनके प्रैक्टिकल ऑनलाइन कराए जाएंगे। लेकिन अब देखिए, ये तो यूनिवर्सिटी ने आपको बता दिया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बताया कि जिन कॉलेजेस ने अपने परीक्षा के अंक यानी वाइवा के अंक या मौखिक परीक्षाओं के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, तो ऐसे कॉलेजेस या ऐसे इंस्टीट्यूट्स को हर दशा में, हर कंडीशन में ऑनलाइन मौखिक परीक्षाएं आयोजित करके एक सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय को अंक अपलोड करने हैं, उनके पोर्टल पर अपलोड करने हैं। और यदि मौखिक परीक्षा के अंकों के अभाव में उनका रिजल्ट घोषित नहीं हो पाता है तो इसकी जो जिम्मेवारी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उस कॉलेज की होगी। ये बातें आगे बताई हुई हैं लेकिन मैं आपको क्लियर करके जाने वाला हूँ पूरी तरह से कि प्राइवेट स्टूडेंट का क्या सीन होने वाला है। लेकिन यहां पर क्लियरिटी नहीं मिलेगी, वो क्लियरिटी आपको मिलेगी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यही तो आया था वो 26 जून को ऑफिशियल नोटिस, देख पा रहे हैं आप लोग, यही 26 जून को वो ऑफिशियल नोटिस आया था। और अब यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करिए, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ उस पॉइंट नंबर 9, 10 और 11 पे लेके चलता हूं मैं आपको। ये देखो, यही तो बात लिखी हुई है, यही तो वो पॉइंट नंबर 9 है कि सम सेमेस्टर जो इवन सेमेस्टर है जून 2021 का और एनुअल सेशन 2020-21 की वार्षिक परीक्षाओं में, कि एनुअल एग्जामिनेशन में कोई भी प्रैक्टिकल आयोजित नहीं होगा, लिखित या सैद्धांतिक परीक्षा के आधार पर, यानी कहने का मतलब आपको रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। संस्थागत पाठ्यक्रमों यानी रेगुलर कोर्सेस में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं यानी viva-voce ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट, फिर सुन लो, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका वाइवा ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। लेकिन देखिए ये पॉइंट पढ़िए, व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में यानी जो प्राइवेट कोर्सेज हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनमें कोई भी मौखिक परीक्षा यानी viva-voce आयोजित नहीं कराई जाएगी, लिखित परीक्षा के आधार पर ही viva-voce के अंक निर्धारित होंगे। ध्यान से सुन लो, प्राइवेट वालों का कोई भी वाइवा नहीं होगा। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 26 जून को और वहाँ भी मैंने समझाया था, जब ये आया था ना वहाँ भी मैंने अच्छे से ये बातें समझाई थी कि ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का कोई भी वाइवा नहीं होगा। फिर देख लीजिए, संस्थागत पाठ्यक्रम का मतलब होता है रेगुलर कोर्सेज और ये जो व्यक्तिगत पाठ्यक्रम है ये होता है प्राइवेट, व्यक्तिगत प्राइवेट, संस्थागत रेगुलर, तो देख सकते हैं प्राइवेट वालों का कोई भी वाइवा नहीं होने वाला। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे कि एमए सेकेंड ईयर के प्राइवेट का क्या वाइवा होगा, क्या समझ में आ गई बात? नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी कि जिनको
एडमिशन लेना है। देखिए फर्स्ट वीक में, एक वीक के अंदर, फर्स्ट वीक नहीं एक वीक में अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे। अभी देखो देरी क्यों हो रही है, डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से और आईसीएसई बोर्ड से डेटा मांगा है, और जैसे ही ये डेटा पूरी तरह मिल जाएगा तो जो स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ पास करके आए हैं और उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, एक वीक के अंदर हो जाएंगे, एक सप्ताह के अंदर हो जाएंगे। एडमिशन के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सारी की सारी बातें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट कर दी जाएंगी। कोई भी आपका डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, सभी को आप जानते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी संदेह है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। कोई भी डाउट हो गो इन कमेंट बॉक्स।